Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही धमाकेदार गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से MTS सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023 के लिए. फ्रेंड्स, ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है. ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी. मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट, एग्जाम पैटर्न, इनिशियल इन हैंड सैलरी सारा कुछ बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना. तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. जैसा आपको बताया है, दिल्ली पुलिस MTS सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023 के ऑलरेडी नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं. टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 888 पोस्ट के लिए ये आपकी वैकेंसी आने वाली है. तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किस किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आने वाली है. कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, टेलर, दफ्तरी मालिक, कारपेंटर एंड बार्बर, मतलब कि इन सारे पोस्ट के ऊपर आने वाली है. मतलब दिल्ली पुलिस MTS मतलब ही होता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ. तो जैसे कि दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपको सिविलियन की पोस्ट पे ये सारे ट्रेड के बेसिस पे आपका ये जॉब लगने वाला है. तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स कि आपका ये फॉर्म कब आने वाला है. तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2023 से एंड लास्ट डेट आपका रहेगा 31 अक्टूबर 2023. मतलब कि ये फॉर्म बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाला है. अक्टूबर में आएगा तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तैयारी अपनी आप अभी से स्टार्ट कर दो. वीडियो बनाने का मेन मोटो यही होता है कि आपको नोटिफाई करना कि आप अपनी प्रिपरेशन में जुट जाओ, वैकेंसी आने वाली है, इंक्रीज करो अपने स्टडी की स्पीड को. सो चलिए आगे देख लेते हैं फॉर्म की फ़ी क्या रखी गई है. जनरल OBC EWS से 100 रुपीज़, वहीं पर SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई सा भी चार्जेज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा. तो आइए अब बता देती हूँ कि एज लिमिट क्या रखा गया है. जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 27 इयर्स. OBC के लिए मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स रखा गया है. SC ST वालों के लिए मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 32 इयर्स. मतलब कि यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. अब बता दूं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो होता है ना एलिजिबिलिटी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. फ्रेंड्स, आप अगर सिंपली 10th पास आउट होना तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. मतलब कि आपका 10th में क्या परसेंटेज है डजेंट मैटर, बस आप 10th पास आउट हो आप एलिजिबल हो. आइए मैं कैटेगरी वाइज सीट्स आपको बता देती हूँ. ओवरऑल तो बता दिया है कि 888 सीट है. जनरल वालों के लिए 407 सीट पे वैकेंसी है. EWS के लिए 88 सीट्स पे है. ST वालों के लिए 61 सीट पे है. OBC के लिए 274 एंड SC वालों के लिए 58 सीट यहाँ पे रखा गया है. सो ओवरऑल 888 सीट को इस प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. अब देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस. तो योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव CBT, दैट मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका. देन होगा आपका ट्रेड टेस्ट, मतलब कि जिस भी ट्रेड से आप जाओगे जॉब करने उसका टेस्ट लिया जाएगा. फिर होता है सिंपल सा आपका मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या एग्जाम पैटर्न है. 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए टाइम आपका 90 मिनट्स का रहेगा. कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि नो निगेटिव मार्किंग एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे. और आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर के लिए 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है. तो आइए सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा. रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए,
जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स के आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। हाँ तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम एग्जाम की पैटर्न बता दी आप, एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है कि आपका जो एग्जाम होगा ना, ये आपका जनवरी 2024 में कराया जाएगा। मतलब कि ये आपका जो एक होता है ना कि एक लास्ट डेट मानो, दिसंबर टू जनवरी के बीच में आपका हो जाएगा, दिसंबर 2023 के लास्ट तक, और नहीं तो जनवरी के आपका जो स्टार्टिंग होता है ना उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम इसमें एग्जाम है फिर ट्रेड टेस्ट है, तो क्या मुझे एग्जाम देने दिल्ली जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली दिल्ली की जॉब है, बट आपको ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि ये एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, तो फ्रेंड्स जैसे एसएससी आपको ना अपने चॉइस के 3 सेंटर नियर बाय सेंटर चूज करने का ऑप्शन देता है, तो एग्जाम आपका नियर बाय सिटी में होगा। हाँ ट्रेड टेस्ट देने ऑब्वियसली आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, सो योर एग्जाम लोकेशन विल बी ऑल ओवर इंडिया। देन होता है आपका ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का और ये होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का, और ये देने आपको जाना पड़ेगा दिल्ली। आप इंडिया के किसी भी कोने से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, पास कर लेते हो तो बड़ी चीज है यार, जॉब करने तो दिल्ली जाओगे ही, तो ट्रेड टेस्ट भी आपका दिल्ली में ही होगा। जॉब लोकेशन ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली पुलिस की है तो दिल्ली में ही होगी। सो फ्रेंड्स जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, देन होता है आपका सिंपल सा मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है, आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी सैलरी क्या रहती है मैं बता देती हूँ आपको। आपकी जो यहाँ पे सैलरी है स्टार्टिंग रखी जाती है 18,000 से, एंड आपका जो होता है ना कि जब आपका सैलरी इंक्रीज कर करके आपका 56,900 के अप्रोक्स सैलरी हो जाता है। इसमें आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट वगैरह देखने को मिलता है, रुतबे की पोस्ट है या ग्रुप सी की पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे स्टार्टिंग से, वो अपने स्पीड को बढ़ा देंगे, और भी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है, तो पढ़ाई करते रहो यार, तभी तो आप सक्सेस कर पाओगे ना। तो आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताया है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर फ्रेंड्स समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो टेंशन काय को लेने का, कमेंट सेक्शन है ना, आओ वहाँ पे क्वेश्चन पूछो, मैं सारे क्वेरीज आपके वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, सबका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाना है, मुझे फॉलो कर लेना। आप अगर वहाँ भी मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपके क्वेरीज सॉल्व हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को खूब सारा प्यार देना और लाइक करते जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर कर दिया करो, उनका भी भला हो जाएगा। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।